उधर 1983 की विश्व विजेता क्रिकेट टीम के सदस्यों ने पहलवानों के गंगा नदी में मेडल बहाने को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, उनके साथ जो हुआ वो दुखद है, उम्मीद है कि प्रदर्शनकारी पहलवानों की शिकायत सुनी जाएगी और उनका समाधान किया जाएगा। और इस खबर पर दिल्ली से जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा। राहुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एफआईआर की जो डिटेल सामने आ रही हैं, पहलवान जो आरोप लगा रही हैं वो सामने आ रहे हैं, और इसके अलावा जब 83 की टीम ने भी एक तरह से हम कहेंगे कि सपोर्ट किया है, तो क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिख रही हैं? दीपक, आप सही कह रहे हैं कि मुश्किलें कहीं ना कहीं अब ब्रजभूषण शरण सिंह का मुश्किलें जो है अब बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही है। इसमें जो एफआईआर दर्ज किया गया है और एफआईआर के जिस तरीके का डिटेल सामने आया है, तकरीबन 10 पहलवानों के वहां पे बयान का डिटेल वहां पर सामने आया है, जिसमें जो नाबालिग का खासतौर पर यदि बयान के बारे में कहा जाए कि जिसमें कहा गया है कि कहीं उसको जो रूम था होटल रूम में उसको वहां पर बुलाया था ब्रजभूषण शरण सिंह ने। उसके अलावा जो महिला पहलवान थी उनसे कहीं सीधे तौर पे गलत तरीके का जो छेड़छाड़ छूने का मामला यहाँ पे आया है, ऊपरी हिस्से में छूने का मामला है, कई एक चीजें उसमें डिफाइन किया गया है कि कहाँ कहाँ टच करने की कोशिश की गई थी। ये जो बयान में दिया गया है, ये आरोप उनकी तरफ से यहाँ पर लगाए गए हैं, जो उस बयान जो दर्ज कराया गया उसमें सामने ये आया है। तो इसके बाद कहीं सीधे तौर पर लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें अब कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही हैं। 5 जून को एक बड़ी रैली अयोध्या में बुलाया गया था, ब्रजभूषण शरण सिंह ने बुलाया था, लेकिन जो पोस्ट किया है फेसबुक पोस्ट पे के जरिए उन्होंने अपना वक्तव्य रखा है वहाँ पे कि इस रैली को किसी मतलब बीजेपी के बड़े के द्वारा वहाँ पे बड़े अधिकारी बड़े नेता के द्वारा बोलने के बाद जो है इस रैली को उन्होंने फिलहाल के लिए रद्द कर दिया है। मुश्किलें अब यदि कहा जाए कि चारों तरफ से चौतरफा यदि कहा जाए तो अब ब्रजभूषण शरण सिंह को यहाँ पे पसते जा रहे हैं। कई चीजें हैं इसमें सीधे तौर पे, क्योंकि इस पूरे मामले पे यदि आप देखें तो एक तो यदि जो बयान दर्ज हुआ है उसके आधार पर अब ब्रजभूषण शरण सिंह को अपनी बेगुनाही यहाँ पे कहीं ना कहीं सीधे तौर पे पेश करनी होगी। उन्हें अपने आप को यदि उन्होंने नहीं किया है, यदि आरोप लगाए गए हैं तो इन पे बेगुनाही करनी होगी। दूसरी बात यहाँ पे, क्योंकि अब दिल्ली पुलिस को अब देखना होगा कि जांच का दायरा अब वो अब कहीं ना कहीं सीधे तौर पे बढ़ाएगी। अब वो पूरा का पूरा एक जो सीन है या तमाम जो कहा जाए पहलुओं पे जांच करने के बाद अब कहीं सीधे तौर पे उस पे कार्रवाई होगी, लेकिन मुश्किलें कहीं ना कहीं सीधे तौर पे खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। अब दूसरी तीसरी यदि ये चीज देखा जाए कि अब धीरे धीरे जो खिलाड़ी हैं, जो दूसरे खिलाड़ी हैं या जो पूर्व खिलाड़ी हैं, वो कहीं ना कहीं 1983 की टीम की यदि बात किया जाए, जो वर्ल्ड कप विजेता चैंपियन टीम थी, वो अब यहाँ पर समर्थन में आ गए। यदि जिस दिन आप देखें तो जब गंगा में अपने मेडल को बहाने के लिए जा रहे थे उस समय भी कुछ खिलाड़ियों ने वहां पर जरूर समर्थन किया था, कुछ खिलाड़ियों के साथ साथ कुछ फिल्मी हस्तियों ने भी यहाँ पे समर्थन जरूर किया था पहलवानों का, कि इस तरीके से यहाँ पे नहीं करना चाहिए, यहाँ पर उनको अपने मेडल को सीधे तौर पे मेडल को नहीं बहाना चाहिए, यहाँ पे कार्रवाई करनी चाहिए इनके ऊपर यदि आरोप लगाया जा रहा है, या इनको इसको सरकार को देखना चाहिए। तीसरी चौथी बात यदि कहा जाए, जो सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे जो फेडरेशन है, वर्ल्ड फेडरेशन है, उसने जरूर ये कहा है कि जल्द से जल्द इसको जो चुनाव है इसको जल्द से जल्द 45 दिन के अंदर में संपन्न। तो कई चीजें यदि कहा जाए तो है कि पूरे के पूरे फेडरेशन को लेकर के भी है, किसान मोर्चा है और सेलिब्रिटीज हैं, इस तरह से आगे आ रहे हैं और पहलवानों का समर्थन करते दिख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं आगे अब ब्रजभूषण सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही। बहुत शुक्रिया करेंगे राहुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर को बताने के लिए।